नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। तो रोज की तरह आज भी आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं। एक बात आप सभी थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि जो करंट अफेयर्स है आपका वो मंगलवार से लेकर रविवार तक आता है, मंडे को छुट्टी रहती है। तो आप कभी लोग काफी परेशान हो जाते हो, काफी सारे मैसेजेस वगैरह करने लगते हो, कॉल वगैरह करने लगते हो कि सर करंट अफेयर्स क्यों नहीं आ रहा, करंट अफेयर्स क्यों नहीं आ रहा। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉल कर पाते हैं, कुछ लोग अंदर ही अंदर सोचते होंगे कि यार ये हर रोज करंट अफेयर्स नहीं देते। तो मंडे को करंट अफेयर्स नहीं आएगा, बाकी आपका हर दिन आपका करंट अफेयर्स आएगा। एक दिन छुट्टी तो मतलब मुझे भी इजाजत है ना। चलिए करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। और पहली बार एक देश है जिसने अपना मंगलयान लॉन्च किया है। मंगलयान लॉन्च करना अपने आप में ही एक बड़ी बात होती है, मंगल मिशन लॉन्च करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। भारत ने भी किया था तो उसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल ये देश कौन सा है जिसने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है। ये मंगल मिशन उन्होंने जापान की सहायता से लॉन्च किया है। चलिए आज के करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं आती है, तो आज के करंट अफेयर्स भी कुछ ऐसा ही है कि आपको लगेगा कि देखते हैं फिर कैसा लगता है। चलिए पहले करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। और पहले करंट अफेयर्स में ही है कि संयुक्त अरब अमीरात ने अभी हाल ही में अपना पहला मंगल मिशन, जिसका नाम उन्होंने होप रखा है, लॉन्च किया है। और इसका मकसद क्या है? देखिए, मंगल मिशन कोई भी लॉन्च करेगा तो आगे आने वाले समय में, आपने कहीं पर अगर नेचर पत्रिका वगैरह पढ़ने को मिलती हो या नेट वगैरह से डाउनलोड कर पाते हो तो कर लिया करें, थोड़ा बहुत आपको चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें भी जानने को मिलेंगी जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। नासा ने दावा किया है कि 2030 तक वो मंगल पर पृथ्वीवासियों के लिए एक पूरी बस्ती बना देंगे। लगता है हमारे पर पृथ्वी में जगह कम पड़ने वाली है और हम अगला ग्रह ढूंढ रहे हैं जहां जाकर हम उत्पात मचा सके, जहां जाकर हम अपना जीवन बसा सके। तो ऐसे कोई कंट्री नहीं है जिसका इस तरीके का शोध ना चल रहा हो, जो बाहरी दुनिया में जीवन की संभावनाओं को ना तलाश रहा हो। इसमें सबसे उपयुक्त मंगल बैठता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल जो है ये अपने सौरमंडल का चौथा ग्रह है और पृथ्वी के सबसे करीब भी है। जितना भी हमारे यहाँ मौसम वगैरह होता है उसी तरीके के मौसम वगैरह मंगल में भी पाए गए हैं। और इसीलिए हर देश ये चाहता है कि उसके पास कम से कम मंगल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो। तो संयुक्त अरब अमीरात भी इसमें पीछे नहीं रहा, उसने अपना एक मंगल मिशन लॉन्च किया है जापान की सहायता से। जापान के तानेगाशिमी अंतरिक्ष स्टेशन से 1:58 पर लाल ग्रह, मंगल में पूरा जो उसका स्ट्रक्चर है, घनत्व तो पृथ्वी के घनत्व से बहुत कम है, लेकिन अगर आप सरफेस एरिया देखेंगे तो पृथ्वी के सरफेस एरिया के बराबर ही आपको वहां पर जमीन देखने को मिलेगी। बड़े बड़े गड्ढे हैं, बड़े बड़े ज्वालामुखी भी वहां पर देखे गए हैं। और जितनी जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक मंगल का जो परपट्टी है, यानी कि मंगल का जो सरफेस है, वो लौह ऑक्साइड यानी कि फेरस ऑक्साइड से बना हुआ है, जिसकी वजह से वो पृथ्वी से लाल दिखाई देता है। आपको पता है कि मंगल ग्रह से सूरज देखने में आपको नीला दिखाई देगा। ऐसा प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन की वजह से ही होता है। जैसे हमें जो सूरज है, जब डूबता हुआ सूरज, माफी चाहूंगा उसमें एक वर्ड और ऐड करिएगा, डूबता हुआ सूरज, जब हम अपना डूबता हुआ सूरज देखते हैं तो हमें कैसा दिखाई देता? ऑरेंज दिखाई देता है या रेड कलर का दिखाई देता है। उसी प्रकार से मंगल से डूबता हुआ सूरज एक ब्लू कलर का दिखाई देता है। कुछ समय पहले अभी मैंने जुलाई में एक न्यूज आपको और बताई थी कि मंगल ग्रह के जो हमारा मंगलयान था उसने अभी हाल ही में मंगल के एक चंद्रमा फोबोस की तस्वीर भेजी है। मंगल के दो चंद्रमा हैं, एक फोबोस और एक डोमियोस। तो फोबोस की तस्वीर अभी हाल ही में हमारे इसरो ने जो मंगलयान लॉन्च किया था 2013 में, उससे तस्वीर आई है। तो आगे आते हैं। जापान के तानेगाशिमी अंतरिक्ष केंद्र से 1:58 पर होप को लॉन्च किया गया। महीनों की यात्रा के बाद, यानी लगभग 7 महीने की यात्रा के बाद, यह 2021 तक मंगल की कक्षा में प्रवेश करेगा। जो 7 अमीरात के गठबंधन यानी कि UAE संयुक्त अरब अमीरात के एकीकरण की 50वीं वर्षगांठ भी है, यानी कि 2021 में 50 साल हो जाएंगे UAE के फाउंडेशन को। होप मिशन की आगे की यात्रा दुबई के मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र द्वारा ट्रैक की जाएगी। होप में 3 अलग अलग उपकरण, एक इमेजर और 2 स्पेक्ट्रोमीटर लगाए गए हैं। स्पेक्ट्रोमीटर इमेजर ग्रह की सतह की डिटेल तस्वीरों को भेजेगा, जबकि तीनों मिलाकर वैज्ञानिकों को यह बताने के लिए डेटा प्रदान करेंगे कि मंगल के वातावरण में कौन सी धातु है। इस लाल ग्रह पर कभी नहीं उतरेगा, लेकिन इसके बजाय उसे पूरे मार्टियन वर्ष यानी कि पूरे मंगल ग्रह की जो परिक्रमा है उसके बराबर, मंगल सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में करता है, उसी प्रकार ये उसके पूरे 687 दिनों तक इसकी परिक्रमा करेगा। मंगल के लिए भेजे गए होप मिशन को एमिरेट्स मार्स मिशन के नाम से भी जाना जाएगा और इसकी लागत $200 मिलियन आई है और यह UAE का पहला विदेशी निवेश है इस सेक्टर में।
बात की जाए मंगलयान, क्योंकि भारत ने कब मंगलयान भेजा था, और भारत एक ऐसा देश है, शायद दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने पहले ही प्रयास में मंगलयान पर सफलता पाई थी। अब तक बहुत सारे ऐसे मिशन भेजे गए जो मंगल में, मंगल की ओर भेजे गए, लगभग 66 मिशन है भेजे गए हैं जिसमें से केवल 16 ही सफलतापूर्वक उतर पाए हैं। नासा अकेली एक एजेंसी है जिसने मंगल पर किसी उपकरण को उतारा है, अभी तक और कोई भी एजेंसी ऐसा करने में सफल नहीं हो पाई है। मंगलयान भारत का प्रथम मंगल अभियान है, यह भारत की प्रथम ग्रहों के बीच मिशन था। वस्तुतः यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की संगठन की महत्वाकांक्षी परियोजना भी है, और इसको लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को, जबकि यह 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचा था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था। और अगर हम बात करें तो इसरो ने जारी की मंगल की सबसे करीबी और सबसे बड़े चंद्रमा की तस्वीरें। इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन के तहत मार्स कलर कैमरा के जरिए हमें फोबोस की तस्वीरें प्राप्त हुई थी। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें, मंगल के दो चंद्रमा हैं, एक फोबोस और एक डोमियस। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो राजधानी अबू धाबी है, और ये मिडिल ईस्ट में स्थित एक देश है, यह भी कभी ब्रिटेन के कब्जे में रहा। मुद्रा यहां चलती है दिरहम। खलीफा बिन जायद अल नहयान वर्तमान समय में यहां के राष्ट्रपति या हेड है। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद, ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र के 6 इकाई हैं। अब संयुक्त राष्ट्र क्या है यह समझना भी आपके लिए जरूरी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। ऑलमोस्ट 75 साल हो चुके हैं संयुक्त राष्ट्र को, और ऐसे में अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक परिषद का या काउंसिल का अभी वर्चुअल सम्मेलन आयोजित हुआ। वैसे ये न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया था, और इस बार वार्षिक बैठक में विभिन्न सरकारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग ले लिया। हमारी तरफ से, हमारे भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन के समापन सत्र को 17 जुलाई को संबोधित किया। उन्होंने अपने समापन सत्र में कहा कि संयुक्त राष्ट्र के जो विचार हैं, संयुक्त राष्ट्र की जो आइडियोलॉजी है, उसमें कहीं ना कहीं उस पर पुनर्गठन करने की जरूरत है, उस पर दोबारा सोचने की जरूरत है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की जब स्थापना हुई थी तब देश द्वितीय विश्व युद्ध से जस्ट उभरा था। गुट निरपेक्षता सभी देशों में कूट कूट कर नजर आ रही थी। काफी सारे ऐसे देश थे जो खुलकर आलोचना नहीं करते थे एक दूसरे देशों की, क्योंकि वो मित्र राष्ट्र या धुरी राष्ट्रों में बटे हुए थे। लेकिन उसके बाद, उस टाइम से लेके अब के बीच में 75 साल बीत चुके हैं, और पूरी तरीके से संभावनाएं चेंज हो गई हैं। पूरी तरीके से जो इस्तेमाल है इस संस्था का, वो भी चेंज हो गया है। तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन को लेकर उन्होंने अपनी बातचीत कही। उन्होंने ये भी कहा कि तीसरा विश्व एक सोशल मीडिया डेवलप हो चुका है जिसमें किसी भी कमजोर तबके की आवाज को दबाना मुमकिन नहीं है। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर यहां पर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का वर्चुअल सम्मेलन हुआ, जिसका विषय रहा कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद, 75वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र का स्वरूप कैसा हो, यह इसकी इस बार की थीम रही। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ सदस्य राष्ट्रों का एक समूह है, जो सामान्य सभा को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक सहयोग और विकास कार्यक्रमों में सहायता करता है। यह परिषद सामाजिक समस्याओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावी बनाने में प्रयासरत है। वर्तमान समय में इसकी अध्यक्ष है मोना जूल। मोना जूल की बात करें तो ये नॉर्वे से आती हैं, रिप्रेजेंटेटिव है नॉर्वे की, और यूनाइटेड नेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया है। सोशियो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि सोशियो एंड इकोनॉमिक काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र का जो छह उसके सदस्य हैं या छह उसके जो पार्ट हैं उनमें से एक पार्ट है, और इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होता है। हर साल इसके अध्यक्ष बदल दिए जाते हैं। तो इनका गठन 25 जुलाई 2019 को हुआ था, इनका चयन मोना जूल का, तो हो सकता है कि अब ये 25 जुलाई को आपको सुनने को मिले कि इसके अध्यक्ष को बदल दिया गया है। और जितने भी राष्ट्र इसमें सदस्य हैं सभी को बारी बारी से अध्यक्षता यहां पर प्राप्त होती है। कोविड-19, SARS-CoV-2, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ये है SARS-CoV-2, जिसको कोविड-19 भी कहा जाता है। कोरोना वायरस से जूझ रहा है पूरा देश, पूरा विश्व, और ऐसे में हमें एक ऐसी वैक्सीन की तलाश है, एक ऐसी दवा की तलाश है, एक ऐसी मेडिसिन की तलाश है जिससे इसको रोका जा सके। तो सभी देश के वैज्ञानिक यहां पर काम कर रहे हैं। ऐसे में एक अच्छी खबर यह आई है कि वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को बेअसर करने वाले 2 एंटीबॉडी की पहचान की है, और ये एंटीबॉडी लामा में मिलते हैं। लामा एक शाकाहारी पशु है, जिस प्रकार से हमारे यहां बकरियां होती हैं उसी प्रकार से लामा जो है ये अमेरिका में पाया जाने वाला एक पशु है। इसको लोग दूध, मांस और ऊन की वजह से पालते हैं, और जैसे यहां अपने यहां भेड़ होती है उसी प्रजाति का एक पशु है, थोड़ा सा लंबा होता है ये,
और वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को बेअसर करने के लिए दो एंटीबॉडी पहचान की। ये एंटीबॉडी दक्षिण अमेरिकी स्तनधारियों लामाओं से प्राप्त किया गया है। इन दो छोटे स्थिर एंटीबॉडी से प्रयोगशाला संवर्धित कोशिकाओं में कोरोना वायरस को बेअसर किया जा सकता है। इसे कोविड 19 के खिलाफ एक नई चिकित्सा पद्धति को हासिल करने की दिशा में प्रगति के रूप में देखा जा रहा है कि इस तरीके से जो कोशिकाएं या सेल डेवलप होंगी उनको मनुष्य के शरीर में इंटर करा दिया जाएगा, जिसकी वजह से कोरोना वायरस का असर उनके ऊपर नहीं होगा। अध्ययन में यह भी कहा गया कि अधिकांश स्तनधारियों की तरह मानव एंटीबॉडी में भी दो श्रृंखलाएं होती हैं, भारी और हल्की, लेकिन लामा अलग है। लामा के पास भारी और हल्की एंटीबॉडी के अलावा एक नैनो बॉडी भी होती है जो इस रूप में कोरोना वायरस से लड़ने के रूप में काफी ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है। तो हाल फिलहाल वैज्ञानिकों ने किसके अंदर पाए हैं दो एंटीबॉडी जिसके जरिए कोरोना से लड़ा जा सकता है, तो वो है लामा। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 जुलाई से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, यानी रेडी और जो फुटपाथ पे दुकान वगैरह लगाते हैं उनके लिए 10,000 रुपए का छोटा ऋण देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। अब इसका ऐप भी आ गया है ताकि जिन लोगों को अप्लाई करने में दिक्कत हो रही है, जिन लोगों को अपना स्टेटस जानने में दिक्कत हो रही है, वो बकायदा इस ऐप के जरिए जानकारी जुटा सकते हैं। पीएम स्वनिधि ऐप को, जो पीएम स्वनिधि योजना को जो बैंक फाइनेंस कर रही है वो है सिडबी, इसका नाम जरूर याद रखिएगा। रेहड़ी पटरी और फेरी लगाने वाले दुकानदारों को आसानी से लघु ऋण की सुविधा देने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना का मोबाइल ऐप जारी किया गया है। पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप का उद्देश्य छोटे दुकानदारों के लिए ऋण आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाना तथा संबंधित संस्थानों तक सरल पहुंच प्रदान करना है। इस मोबाइल ऐप का माध्यम से योजना को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत छोटे दुकानदार 10,000 रुपए तक का ऋण आवेदन कर सकते हैं। ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदकों को किसी प्रकार की जमानत या कोलेटरल यानी कि कुछ भी गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो लोग भी इस योजना के जरिए लोन लेंगे उन्हें अपना लोन 1 साल में चुकाना पड़ेगा। अगर वो अपना लोन 1 साल में चुका देते हैं, 10,000 रुपए उन्हें मासिक किस्तों में वो चुका देते हैं, तो उन्हें ब्याज पर 7% की छूट भी प्राप्त होगी, जो कि बड़ी बात है। इस योजना के तहत प्राप्त हुई पूंजी को चुकाने के लिए 1 वर्ष का समय दिया जाएगा। विक्रेता इस अवधि के दौरान मासिक किस्तों के माध्यम से ऋण का भुगतान कर सकते हैं। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार योजना की शुरुआत से अब तक कुल 1,54,000 से अधिक छोटे दुकानदार कार्यशील पूंजी के ऋण के लिए आवेदन कर चुके हैं, जिनमें से 48,000 दुकानदारों के ऋण स्वीकृत भी कर लिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई 1 जुलाई को। फाइनेंस बैंक या फाइनेंस एजेंसी है सिडबी जो पैसा लगा रही है इसके ऊपर, और इसके जरिए 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ताकि लोन दिया जा सके। अगली जानकारी है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। नवीन रोजगार छतरी योजना उन लोगों के लिए है जो अनुसूचित जाति से संबंधित हैं, और इस योजना को लागू करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का एजेंडा लेके चलना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सामाजिक तौर पर सबको बराबर कर लेने से बराबरी नहीं आएगी जब तक आर्थिक संपन्नता नहीं आएगी। तो नवीन रोजगार छतरी योजना के तहत जो भी लोग रजिस्टर्ड हैं, मनरेगा से रजिस्टर्ड हैं और जो भी इसमें रजिस्टर्ड है उसमें भी थोड़ा सा रिजर्वेशन रहेगा, और अनुसूचित जाति वाले लोगों को थोड़ा सा काम ज्यादा दिया जाएगा। तो उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 3,484 लाभार्थियों को ऑनलाइन 17.42 करोड़ की वित्तीय सहायता भी प्रदान की, और रायबरेली, गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, आजमगढ़, मुरादाबाद जिलों के कुछ लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी की है। तो बस इतना याद रखिएगा कि नवीन रोजगार छतरी योजना, मैं कह रहा था ना कि अच्छा करंट अफेयर्स में कुछ ज्यादा दम है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं आई है या शायद मैं ढूंढ नहीं पाया हूं, लेकिन आप परेशान मत हो अगर आपको लगता है कि कोई न्यूज स्किप हो गई है, तो वो जरूर आएगी। आज नहीं आएगी, 1-2 दिन में आ ही जाएगी, आएगी जरूर आपके पास, तो आप परेशान मत हो। जितना हम लोग सर्च कर सकते हैं उतना हम लोग कोशिश करते हैं। हम अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट दें। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम आपको पसंद आए, हमारा काम ऐसा हो कि आपको अच्छा लगे। लेकिन कभी कभी हो जाता है जब हम कर भी रहे होते हैं और बहुत सारी चीजें हमारे बस में नहीं होती तो ऐसा हो जाता है। फिलहाल एक और ऐसी ही न्यूज है, वर्चुअल बैठक हुई भाई देश के G20 देशों के वित्त मंत्रियों की। G20 की बात करें तो इस वर्ष चेयर में है सऊदी अरब। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सऊदी अरब की अध्यक्षता में हुई G20 की वित्त मंत्रियों केंद्रीय बैठक की केंद्रीय बैंकों की गवर्नर की तीसरी बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान कोरोना महामारी संकट के बीच वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण के साथ ही 2020 के लिए अन्य G20 वित्तीय प्राथमिकताओं पर भी बात की गई है।
वित्त मंत्री सीतारमण ने बैठक को संबोधित करते हुए G20 से प्रौद्योगिकी के जरिए वित्तीय समावेशन की भारत की सफलता को साझा किया। उन्होंने बताया कि 42 करोड़ बैंक खातों में $10 अरब के बराबर धनराशि बिना किसी भौतिक संपर्क में आए स्थापित की गई है। यह बैठक वृहद अर्थव्यवस्था, पूंजी प्रवाह, सीमा पर भुगतान और बदलाव से हुई अन्य मुद्दों पर केंद्रित थी। भारत ने $295 अरब का एक वृहद पैकेज दिया है, जो दुनिया में अभी तक जारी किए गए राहत पैकेजों में से सबसे बड़ा है। G20 की बात करें तो G20 की जो पिछली बैठक थी 2019 वाली, वो आपकी ओसाका जापान में हुई थी, और ये जो बैठक होने वाली है शीर्ष समूह की जो बैठक होगी, जिसमें बड़े बड़े नेतागण भाग लेंगे, प्रधानमंत्री जी भाग लेंगे हमारे, तो G20 की जो अगली बैठक होगी वो रियाद में होगी, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होगी, और इसका जो स्थान रहेगा वो रियाद रहेगा। और ये बैठक प्रस्तावित है 21 नवंबर 2020 से 22 नवंबर 2020। तो 2019 में G20 रियाद सम्मेलन था, वो ग्रुप ऑफ 20 की 15वीं बैठक को होगी, यह सऊदी अरब के शहर रियाद में होगी और सऊदी अरब में आयोजित होने वाला यह पहला G20 शिखर सम्मेलन होगा। G20 की बात करें तो इसमें विश्व की 19 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपियन यूनियन शामिल है, तो मिला के G20 बनता है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई थी। अभी वर्तमान समय में इसके जो नेता हैं वो आपके सऊदी अरब के नेता शाह सलमान जी होंगे, और इसे इसका जो संस्थापक ग्रुप था वो ग्रुप ऑफ 7 था, यानी कि G7 था। स्थापना 26 सितंबर 1999 में की गई। विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का सम्मेलन है। भारत और अमेरिका के बीच 17 जुलाई को दूसरी रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक हुई है। तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उनके अमरीकी समकक्ष डैन ब्रॉयलेट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक की सह अध्यक्षता की है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण से समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। तो भारत और अमेरिका के बीच में 17 जुलाई को हुई रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी बैठक, जिसमें सोलर डेकाथलॉन का आयोजन के बारे में भी बात हुई। सोलर डेकाथलॉन एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें छात्रों और जो भी शोधकर्ताओं होते हैं उनसे डिजाइनिंग के बारे में ऐसा पूछा जाता है कि किसी इमारत को डिजाइन करिए और इस तरीके से डिजाइन करिए कि उसमें मैक्सिमम सोलर एफिशिएंसी आ जाए, ज्यादा से ज्यादा सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग किया जा सके। अगली जानकारी की तरफ चले तो अगली जानकारी है 18 जुलाई को हम लोग नेल्सन मंडेला दिवस मनाते हैं, नेल्सन मंडेला डे मनाते हैं। तो गिनियन डॉक्टर मोरिसाना काइट और ग्रीस की मारियाना वर्दियन इसको 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार का विजेता चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है, जो उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार गिनी के डॉक्टर मोरिसाना काइट और ग्रीस की मारियाना वादिना इनिस। अगली जानकारी है हमारे देश के एक प्रख्यात गणितज्ञ प्रोफेसर C.S. शेषाद्री का अभी हाल ही में निधन हो गया। वो चेन्नई से बिलोंग करते थे और चेन्नई गणित संस्थान के संस्थापक और निदेशक थे, जो भारत में गणित के अध्ययन के लिए एक संस्थान है। प्रोफेसर शेषाद्री को बीज ज्यामिति यानी कि एलजेब्रिक ज्योमेट्री में किए गए उनके काम के लिए जाना जाता था। शेषाद्री कांस्टेंट एक प्रयोग किया जाता है उसके नाम पर ही रखा गया है, और 2009 में देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण के सम्मान किए गए थे। तो डॉक्टर या प्रोफेसर C.S. शेषाद्री का भी हाल ही में निधन हो गया। वो क्या थे? वो एक प्रख्यात गणितज्ञ थे। विश्व शतरंज दिवस, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है। 20 जुलाई को हम मनाते हैं वर्ल्ड चेस डे। यह दिन 1924 में पेरिस में की गई अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसे फिडे भी कहा जाता है, को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2020 मनाने के लिए शीर्ष शतरंज खिलाड़ी एक उच्च स्तरीय आवासीय कार्यक्रम चेस फॉर रिकवरिंग बेटर में हिस्सा ले रहे हैं। चेस से जुड़ी हुई एक न्यूज अभी हाल ही में चर्चा में थी कि ये है जी आकाश, जो कि भारत के 66वें ग्रांड मास्टर बन गए हैं। ये 5 जुलाई की न्यूज है और ये मैंने आपको बताया अभी तक कि भारत के सबसे अभी तक देखा जाए भारत में 66 ग्रैंड मास्टर है। सबसे पहले थे विश्वनाथन आनंद, जिन्हें विशि आनंद भी कहा जाता है, और भारत के अब तक के सबसे यंग ग्रैंड मास्टर डी कुकेश रहे हैं। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। पीएम स्वनिधि योजना के तहत छोटे दुकानदारों के लिए कितने रुपए तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं बिना किसी कोलेटरल के? तो 10,000 रुपए। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस इस्पात मंत्री वर्तमान समय में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने अभी अमेरिका के पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री से बातचीत की है, उनके साथ बैठक की है।
और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का वर्चुअल सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो इसका भी वर्चुअल सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 जुलाई को समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को बेअसर करने वाले दो एंटीबॉडी की पहचान की है। वो ये पहचान किसके अंदर, ये एंटीबॉडी किसके अंदर मिले हैं? ये दक्षिण अमेरिकी पशु लामा के अंदर मिले हैं। किस राज्य की सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए एक नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो यह है यूपी। और किसने, किसके द्वारा पहला मंगल मिशन, यानी उनके देश का पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया गया है? तो वो है यूएई। और निम्नलिखित कौन सा देश G20 देशों का सदस्य नहीं है? सूडान, पाकिस्तान भी नहीं है। गिनियन डॉक्टर मोरिशाना कायट और ग्रीस की मारियाना वर्दी नाइनिस को मिला है 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार। और सीएस शेषाद्री का निधन हो गया, वो कौन है? वो एक भारतीय गणतज्ञ थे, चेन्नई से बिलोंग करते हैं। विश्व स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। अब बारी है आज के क्विज की। पीएम स्वनिधि योजना के तहत छोटे दुकानदारों को कितने रुपए तक का ये ऋण प्रदान किया जा रहा है? 10,000 रुपए तक का, बिना किसी गारंटी और कोलेटरल के। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री कौन है वर्तमान समय में? धर्मेंद्र प्रधान। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का वर्चुअल सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो ये आपका न्यूयॉर्क में। वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को बेअसर करने वाले दो एंटीबॉडी की पहचान की है। ये एंटीबॉडी किससे प्राप्त किए गए हैं? ये लामास से प्राप्त किए गए हैं। किस राज्य की सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो यह है उत्तर प्रदेश। और किसके द्वारा अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया गया? तो यूएई ने जापान की सहायता से अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 देशों का सदस्य नहीं है? तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, सूडान, जर्मनी में देखा जाए तो सूडान आपका G20 देशों का सदस्य नहीं है। 19 देश हैं, एक यूरोपियन यूनियन है। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। आप बोलेंगे सर पाकिस्तान पाकिस्तान आप क्यों चिल्लाते रहते हो? तो इसीलिए कि आपको याद रहे कि भाई पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। तो हंगरी के मोगरोड, हंगरी में फॉर्मूला 1 हंगरी ग्रांड प्री जीत लिया है। ये लुइस हैमिल्टन ने जीती है वापस से। गिनियन डॉक्टर मोरिशाना कायटो ग्रीस की कौन, मारियाना वार्दियनानिस को 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया। सीएस शेषाद्री का भी हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? वे एक प्रसिद्ध मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और उम्मीद करता हूं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखता हूं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।